हेलो गाइस, तो MIUI 14 का अपडेट आया है और अपडेट आने के बाद मैंने इसको अपडेट किया भाई साहब। अपडेट के बाद मेरा दिल थक से हो गया, हार्ट अटैक आने वाला था। क्यों, क्या हुई? क्योंकि मेरा सारा डेटा, सारा सब कुछ इसी में पड़ा हुआ है और ये अनलॉक ही नहीं हो रहा था। समझ रहे हो, ये अनलॉक ही नहीं हो रहा था। अब कैसे क्या वो बताता हूँ। अभी आप नेम देख लो, रेडमी K50i। वैसे तो MIUI बहुत पहले आ चुका है, शायद एक दो महीने से हो चुका है ना, जब इससे जब ज़्यादा हो चुका होगा। तो फिलहाल ये जो आप लुक देख रहे हो ये अपडेट के बाद का है। अपडेट के बाद कुछ खास चेंजेस नहीं है, थोड़े मोड़े चेंजेस हैं जो कि बताने लायक नहीं है, ठीक है। तो हम बात करते हैं मेरे हार्ट अटैक क्यों आने वाला था। तो हुआ ये कि मैंने जो है अपडेट किया, ठीक है, 4GB का अपडेट था, अपडेट किया। उसके बाद जब मैं इसे फ़ोन स्विच ऑफ जाता है फिर ऑन होता है ना, तो जब ऑन हुआ तो पिन डालने को बोलता है, क्योंकि फिंगर प्रिंट तो काम करता नहीं है। तो पिन डालने को बोल रहा था, तो 4 अंक का पिन था भाई, अपना पुराना वाला पिन जो था मेरा, मैंने वो डाला, नहीं ओपन हुआ भाई फ़ोन। एक बार डाला, दो बार डाला, तीन बार डाला, फ़ोन ओपन ही नहीं हो रहा था। मेरे हार्ट अटैक आ गया यार। मैंने कहा मतलब इतना, इसमें मेरा सारा डेटा पड़ा हुआ, सारा वीडियोस। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। फिर इसके बाद मैंने थोड़ी सी सोचा और फिर मैंने सोचा कि इन सब का हल ना एक ही होता है, क्या पता है, स्विच ऑफ। स्विच ऑफ करो, ऑन करो, छोटी मोटी कुछ भी बग है या फिर कुछ भी स्टेबल ग्लिच है, स्विच ऑफ करो, ऑन करो, सही हो जाता है। अब मैंने फिंगर क्रॉस करके स्विच ऑफ किया, ऑन किया, पिन डाला, ऑन हो गया, जान जाएगी मेरे जब तक। तो अगर आपके फ़ोन में भी अपडेट आया है तो ज़रूरी नहीं कि आप इसे अपडेट करो, कुछ खास है नहीं। देखो एक भी ऐसा फीचर नहीं है जो काम का हो, मतलब फीचर ही नहीं आए हैं। एक दो फीचर आए होंगे, वो भी मुझे पता नहीं कहाँ आलतफाक फीचर हैं, ठीक है ना। तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको अपडेट करने की।